अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आज़म फ्रॉम टेक्निकल फौजी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको हुकूमत की तरफ से और पीटीए की तरफ से लिया गया एक नए कदम के बारे में, जिस तरह से आपने एक मेरे चैनल पे पहले वीडियो एक चेकआउट की होगी, अगर नहीं की तो ये पीटीए के मुतालिक जो 20 अक्टूबर को अनकम्प्लाइंट और स्टोलन ईमी जो हैं IMEI नंबर एक फ़ोन के होते हैं, अगर आपने पहले से वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक नीचे दे दूंगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये सारा माजरा क्या है। तो दोस्तों, अक्सर उस वीडियो के नीचे मुझे जो कमेंट में देखने को मिला है, वो ये देखने को मिला है कि अगर हमारा आईमी, एक तो अगर आप मैसेज करते हैं 8484 पे, अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको आईमी जो है वो कंप्लाइंट आता है, मतलब वेरीफाइड आता है पीटीए की तरफ से, तो तब तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अक्सर मुझे ये कमेंट मिला है देखने को कि लोग कह रहे थे कि हमारा जो आईमी है वो अनकम्प्लाइंट आ रहा है, आईएमई ब्लॉकन आ रहा है, तो अब हम क्या करें। तो ये मेरी वीडियो उन दोस्तों के बारे में है जो कहते हैं कि उनका आईएमई अनकम्प्लाइंट आ रहा है, या फिर जो कह रहे हैं कि उनका जो ईमी है वेरीफाइड नहीं आ रहा, तो उसके बाद उनके मोबाइल के साथ क्या होगा, क्या मसला पेश उनको आ सकता है, और किस तरह से अपना वो जो IMEI है वो वेरीफाई कर दोबारा करवा सकते हैं, दोबारा उसको मोबाइल को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही कवर करूंगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसी वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबा देगा। इससे होगा ये कि जब मैं फ्यूचर में नई वीडियो अपलोड करूँगा, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, जो हमारी वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो वेल जी, दो को पीटीए की तरफ से जो एक स्टेप लिया गया है, जिसको पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी बोला जाता है, कि 20 अक्टूबर तक जितने भी फोन्स हैं, मतलब फ़ोन, अगर अक्सर फ़ोन जब जिस तरह से एक आईफोन है वो पाकिस्तान से बाहर होता है, क्योंकि पाकिस्तान में वो बनता नहीं है, इसकी वजह से वो बाहर से आता है, जिसकी वजह से उसका आईमी कोई मतलब जो आईफोन होता है उसका आईमी कंप्लाइंट होता है, और किसी का जो कंप्लाइंट है वो नहीं होता, उनके साथ क्या पेश आएगा। और अगर मतलब जो जिनका कोई मैसेज कर रहे हैं 8484 पर, जो मैं तरीका पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो उनका मैसेज जो आ रहा है अनकम्प्लाइंट का, वो उनके साथ क्या होगा। मतलब कि अगर आपकी एक सिम है, आपने उस पर जो है अपने मोबाइल का IMEI लेके सेंड कर दिया है, और आपको कहा गया है कि आपको IMEI जो कम्प्लाइंट है, एक नंबर दो पे अगर आपको कहा जा रहा है कि आपका IMEI अनकम्प्लाइंट है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो आपकी सिम इस वक्त चल रही होगी, मतलब सिर्फ एक सिम चल पाएगी, जो IMEI कम्प्लाइंट होगी उसमें सारी सिमें चलेंगी, जो नहीं चल रहे होंगे उसमें सिर्फ वो एक सिम चलेगी जो 20 अक्टूबर को उस फ़ोन में होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मैसेज कर देते हैं, आ जाते हैं आपका जो IMEI है वो अनकम्प्लाइंट है, तो आपने अपनी सिम उसमें डाल देनी है और 20 अक्टूबर तक जो है वो सिम उसी स्लॉट में रहने देनी है। उससे होगा ये कि जब 20 अक्टूबर को सारे फोन्स बंद हो जाएंगे, आपका अनकम्प्लाइंट IMEI जो होगा उसमें वही सिम जो है सिर्फ वही चलती रहेगी। और उसके बाद जो दोस्तों आपके पास तीसरे नंबर पर उनका रिप्लाई आएगा, वो आएगा योर IMEI इज़ ब्लॉक्ड। इसका मकसद ये होगा कि वो आपका IMEI बंद हो जाएगा, उसमें आपकी कोई भी सिम नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसी सिम पे किसी ने थेफ्ट रिपोर्ट दी हुई है, वो चोरी का फ़ोन होगा, तो पहले आप उसकी थेफ्ट रिपोर्ट जो है थाने से या फिर किसी जहाँ पे की होगी वहाँ से जाके उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो है आपका मोबाइल है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको ये मसले आ रहे हैं, पता नहीं जो इस तरह से सिम के साथ इस तरह से हुआ था पाकिस्तान में पहले जब बायोमेट्रिक सिस्टम आया था अंगूठे वाला, तो तब ये हुआ था कि इन्होंने काफ़ी डेट्स दी थी, लेकिन तब डेट्स पे बंद नहीं किए थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था। तो होप अगर आपको पीटीए की तरफ से देखने को मिल जाए कि टाइम जो पीरियड है उसको 20 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया जाए, तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो उससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, अगर इस तरह का कोई भी मसला आया गया है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।